हेलो दोस्तों, वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू द प्लम्बिंग वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो सिंक को फिटिंग करने वाला हूँ, सिंक वेस्ट का प्लेन फिटिंग करने वाला हूँ, सारा का सारा आप लोगों में दिखाने वाला हूँ और आरओ के बारे में भी बताने वाला हूँ। पहले तो सिंक का लॉन्ग बुश खोल के आप लोगों को व्हाइट सीमेंट अच्छे से लगा लेने, ताकि पानी कभी भी लीकेज करे तो बाहर आए, अंदर टाइल्स के अंदर ना जाए। अभी क्या करना है, इसको फिटिंग करना है दोस्तों। इसको क्या करना है, नॉर्मली इसको खोल देना है, इसीलिए इसको खोलना है। जैसे ही मैं ये लगाने जाऊंगा, ये नीचे नड़ेगा जो सिंक का प्लेटफॉर्म में, तो इसको खोल देना है, फिर आपको लगाना है। टेफ्लॉन टेप सही तरीके से लगा लेना है, बहुत ज़्यादा भी टेफ्लॉन टेप नहीं लगाना होता है। बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो ब्रास एल्बो, बहुत ज़्यादा जोर टाइट करने जाओगे तो ब्रास एल्बो भी टूट सकता है। तो बहुत ज़्यादा टेफ्लॉन नहीं, उसका एक लिमिट होता है, उसी हिसाब से आपको टेफ्लॉन टेप लगाना है। और जितना हो सके पाना पकड़ से ना टाइट करके, हाथ से जितना हो सके उतना ही टाइट देना है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा कंप्लीट फिटिंग हो गया। अभी क्या करना है, इसको फिट कर देना है। इसमें एक नाट दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे नाट का, ये रहा नाट। नहीं, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा वेस्ट कवलिंग। वेस्ट कवलिंग को सिंपली क्या करना है, फिटिंग कैसे करना है, ये दिया गया वेस्ट कवलिंग का कैप। ये जो दिया गया है नट टाइट करने के लिए दिया गया है, नट घुमाया जा सके। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, दो पार्ट्स को अलग कर लेना है। देखो क्या करना है, इसको ये रबर जो है ये नीचे लगेगा, ये जो आप लोग देख रहे हो ये वाला नीचे लगेगा, ये ऊपर रहेगा, ऊपर से डाल देना है। ये ऊपर लग गया है, ऊपर ये वाला नीचे लगेगा, ये सामने वाला आप देख रहे हो इधर, ये नीचे लग गया। और ऊपर से नट टाइट हो, ये जो नट है इसमें टाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक दिखाता हूँ। देख सकते हो ये जो अपना पाना है, ये पाना टूट गया है, इसको टाइट करने गया हूँ, इसको ऐसा लगा के इसको पकड़ में से ऐसा टाइट करने के लिए गया हूँ, पाना टूट गया है, तो इसमें ये नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे ये दो का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का, तो इसमें डाल के मैं टाइट करता हूँ। देख सकते हो टाइट हो गया, ये 2 रुपए का सिक्का जो है थोड़ा खराब हो गया। इसको हथौड़ी और छीनी से ठोक के इसको मैं फिर से चलाऊंगा। अभी क्या करना है, सिंपल ये लगाना है। यहाँ पे लग गया सिंक वेस्ट का पिन, ऊपर आप लोग अभी देख सकते हो, इसमें लगा देना है जाली और इसमें लगा देना है इसका ढकना। ये जो है कभी भी आप ऐसा सिंक को ब्लॉक करके इसमें पानी भर के बर्तन को आराम से धो सकते हो। अगर कुछ कचरा आ जाए तो इसको क्या करना है, जाली को निकाल के फेंक देना है कचरा को, कचरा इसमें जाने नहीं देना है, क्योंकि नीचे का जो वाटका वगैरह खराब होने का चांसेस रहेगा, मतलब ब्लॉक होने का चांसेस रहेगा। ये जाली हमेशा रखना है। और ये इसीलिए दिया गया वाइसर है, आपको सिंक कभी भी भरना हो, भर के इसके अंदर ही बर्तन को धोना हो, सिंक को अच्छा से साफ सफाई करके सिंक को पानी में भर देना है, स्विमिंग पूल के जैसा उसके ऊपर बर्तन को रगड़ना है। ये आरओ एक्चुअली में कैसे लगा, कैसे हुआ, नहीं हुआ, इसका कंसील फिटिंग प्लस मैं आरओ के बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।
पहले तो आरओ में क्या है, ये जो है ये आरओ का वेस्ट वेस्टेज वाटर है, मतलब के आरओ का पानी जो है ये सिंक में यहाँ पे ऐसे ही गिरता रहेगा। ये देख सकते हो ये पाइप, यहाँ पे एक ब्रास हेल्प हुआ, यहाँ पे एक ब्रास हेल्प हुआ, सीधा एक पाइप है, ठीक है। इसका लाइन कैसे, इसका लाइन कैसे, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। पहले कंसील फीडिंग में यहाँ पे देख सकते हो लाइन ऐसा सीधा गया है, यहाँ पे सीधा ये टैंक का पानी जो है, यहाँ पे एक ब्रास हेल्प लग गया, यहाँ पे एक टी लग गया, यहाँ पे सिंक का पॉइंट हो गया है, बाकी का आरओ का जो आउटलेट है सीधा ऐसे आया है और सीधा ऐसे गया है, सीधा यहाँ पे पीछे के साइड में मटका का पॉइंट है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लोगे, आप लोगों को अपना ही चैनल है, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम में आके वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, फोटो वीडियो सेंड कर सकते हो। दोस्तों 2 रुपये का सिक्का मैं जो टाइट किया उसके लिए तो एक लाइक बनता है। फिर मिलूंगा मैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय यारो, लाइक करो।